सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम सिरेमिक करने जा रहे हैं मैट एंड ग्लॉसी दोनों में। सो ये है हमारी डोमिनार एंड आज इसको हम करेंगे सिरेमिक। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये रही हमारी सिरेमिक की बोतल एंड ये रहा साथ में स्पंज। तो अभी हम शुरू कर दिया है सिरेमिक करना। पहले अच्छे से वॉश किया था, देन वॉश करने के बाद हमने इसको ड्राई करने के बाद देन सिरेमिक अप्लाई कर रहे हैं। एंड ये भी हम पहले टैंक चेक करेंगे कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। अगर अच्छे रिजल्ट आए तो फुल बॉडी को करेंगे। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा एंड आप देख सकते हैं सिरेमिक आप कैसे यूज़ करें, कैसे आपको किस पैटर्न में यूज़ करना है। तो कुछ ऐसे ही रहेगा जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको एक अच्छे सीक्वेंस में यूज़ कीजिए, देन जैसे आप इसको करते हैं 1 से 2 मिनट तक इसको छोड़ दीजिए। सिरेमिक करने के टाइम पे आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि कोई भी डस्ट पार्टिकल आपकी बॉडी बाइक की किसी बॉडी पार्ट पे ना हो, एंड अगर है तो उसको रिमूव कर लीजिए। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको थोड़ा इंडोर में हमने खड़ा किया, ना कि हम बाहर खड़े होकर कर रहे हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं सिरेमिक टैंक की तरफ। अभी तो मैं आपको जैसा कि बता दूं कि क्या प्रोसीजर है आप अगर सिरेमिक करने जा रहे हैं, मोस्टली लोगों को नहीं पता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बाइक अपनी अच्छे से वॉश करनी है। वॉश करने के बाद अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ आपके कोई स्क्रैच हैं, नॉर्मल से स्क्रैच हैं, डस्ट पार्टिकल्स कुछ लगे हुए हैं, कुछ भी है ऐसा छोटा मोटा माइनर कुछ भी आपको लगता है, तो आप उसको कंपाउंडिंग कीजिए। कंपाउंडिंग करने के बाद उसको अच्छे से कपड़ा, ड्राई कपड़ा ले लीजिए एंड उसे रब कीजिए, एंड उसके बाद ही सिरेमिक अप्लाई कीजिएगा। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं अभी वीडियो में सिरेमिक हो चुका है एंड आप देख सकते हैं कि सिरेमिक की क्वालिटी कितनी अच्छी आई है। अभी तो सिर्फ हमने टैंक पे किया, अब आगे देखते रहिए, हमने पूरी बाइक को भी करेंगे। तो वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। ये रहा कुछ टाइम स्लैप, देखते रहिए। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने डोमिनार की है, अब हमारे सामने है बुलेट क्लासिक। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके जो बॉडी है, इंजन का पार्ट, उसको नकल करना है। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं एक साइड पे हमने कर दिया एंड शाइनिंग देखिए कैसी अच्छी सी आ रही है। तो दूसरी साइड दिखाता हूँ कितनी डलनेस है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी डलनेस है, बिकॉज़ यहाँ पर अभी हमने कंपाउंड नहीं किया है एंड उस साइड किया है। एंड ये जो अलॉयस हैं, अलॉयस के साइड पे जो क्रोम है वो भी अभी हमने करना है। तो ये देखिए कुछ छोटा सा पार्ट जो आपको दिख रहा है वहाँ पे कितनी शाइन है, और जहाँ पे नहीं हुआ कंपाउंडिंग वहाँ पे देखिए कितना डलनेस है। तो शॉकर भी हैं आपके सामने सामने रिजल्ट्स हैं, आप देखते रहिए वीडियो प्रॉपर देखिए, अच्छे से देखिए। एंड अभी तो हम नकल कर रहे हैं, देन उसके बाद हम करेंगे जो बुलेट है उसकी बॉडी को सिरेमिक। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये छोटा सा काम है ये ख़त्म करने के बाद फिर हम एक ही बार सिरेमिक करेंगे एंड आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे कि क्या रिजल्ट्स आते हैं इसके। तो ये अभी शॉकर इसका होने वाला है एंड ये देखिए इसके रिजल्ट्स, कितना अच्छा क्रोम फिनिश आई है इसमें। तो ये रही कुछ आपके सामने लुक, क्रोम कितना अच्छा शाइन में आ गया हुआ है। एंड वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपको भी ये सिरेमिक कोटिंग मंगवानी है तो आप, मैं लिंक दे दूंगा। तो ये देख रहे हैं बुलेट जो थी क्लासिक, उसकी जो टैंक है कितनी डलनेस है और बहुत सारे स्क्रैचेस हैं। तो डिफरेंस मैं दिखाऊंगा आपको अगली वीडियो में कि मैंने सिरेमिक करने के बाद और सिरेमिक करने से पहले क्या डिफरेंस है। ये फ्रंट अभी ये स्टॉक है सब भी,
अभी कहीं पे सिरामिक नहीं हुए। एंड ये देखिए अब जैसे कि आपके सामने आ गई टैंक, ये हाफ पोर्शन हमने सिरामिक किया एंड हाफ पोर्शन अभी छोड़ दिया है। एंड शाइन तो आपके सामने ही है। एंड ये रहा फाइनल कोड एंड पूरा फाइनल सिरामिक करने के बाद ये कुछ ऐसी लुक आती है बाइक की। तो अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं एंड और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये रही कुछ ऐसी लुक आफ्टर सिरामिक। ये थी हमारी क्रोम एंड मैट दोनों के लिए। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।